लड़े, ये वही उदाहरण हमारे सामने है। गढ़ मंडला बहुत अलग प्रकार का वनांचल का गढ़ है, लेकिन एक ऐसी साम्राज्य, ऐसी वीरांगना जो अपने बलबूते पर न केवल युद्ध जीतने का हिम्मत रखती है, बल्कि अपने सुशासन के सभी मापदंड पूरे करती है। जहां जल रचनाओं की, तालाबों की बात आ रही, वीरता की बात आ रही, और कई रहस्य भी दबे हुए हैं जिनके लिए समाज के सामने वो रहस्य भी आना चाहिए। उसमें से एक बड़ा विषय ये भी है, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को याद करके, जिनके माध्यम से 500वीं जयंती का वर्ष प्रारंभ हुआ, और वो काल के प्रवाह की जो कष्ट है, जो नवीन हमारे हथियार की रचनाओं के प्रति समाज का ध्यान जाना चाहिए। याद रखे, अकबर ने अगर विजय प्राप्त की है तो जान देने में तो हमारे बहादुरों ने कभी पीछे पीठ नहीं दिखाई, लेकिन नवीन काल के प्रवाह में जो गलतियां हुई, ये वही समय था जब अकबर तोप लेकर आया। वो तोप के, बंदूक के प्रयोग से हमारे बहादुरों के साथ अन्याय करते हुए, जो जो उनको जीतने के तरीके चाहिए उस तरीके में ये नवीन हथियारों की जो रचना खड़ी हुई, इसका नुकसान भी हमको उठाना पड़ा। कहने वाले ये भी कहते हैं कि तोप के प्रयोग के कारण से रानी दुर्गावती की हाथी वाली जो सेना थी, वो सेनाओं को भी अपना युद्ध में लड़ने में कठिनाई पैदा हुई। दूसरा एक अपना नियम था, जिस नियम के आधार पर रानी ने कहा कि सायंकाल के बाद भी युद्ध लड़ना चाहिए और युद्ध को रोकना नहीं है, लेकिन जो हमारे अपने सहयोगी रहते हैं, वो सहयोगियों ने कहीं भूल से ये गलती भी की कि रानी आप कभी युद्ध जीते कभी हारी नहीं, आप तो भवानी है, रणचंडी है, इसलिए आपको रात में युद्ध करने के बजाय कल युद्ध करेंगे। रानी ने उस समय इशारा किया था कि देखो अभी उनकी तोपें नीचे हैं, कल ये ऊपर चली जाएगी तो कष्ट बढ़ाएगी, इसलिए रात में दुश्मन पे आक्रमण कर देते हैं। लेकिन वो एक ऐसा रहस्य जिसको समाज के सामने लाने की जरूरत है। और दूसरा बड़ा कि हाँ, हमारे अपने वनांचल के अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, इनका जीवन चरित्र पूरे देश तो क्या दुनिया के सामने पहुंचाने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने तय किया है कि रानी दुर्गावती का ये चरित्र हम दुनिया के सामने ले जाएंगे अपने सभी प्रकार के यत्नों से, पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके, अलग अलग प्रकार के अवसरों पे सेमिनार जानकारियां दे करके। ये देखो आप एक के बाद एक रानी दुर्गावती से प्रारंभ होकर के ये क्षेत्र रानी अवंतीबाई पे भी जाता है, रानी झांसी के पास भी जाता है, मुगल काल से भी लड़ने वाले लोग, अंग्रेजों के आगे भी लड़ने वाले लोग और लड़ने वाली रानियां, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर राष्ट्रपति के रूप में हमारी श्रद्धा का केंद्र बनी है, तो हमारी आदिवासी अंचल की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए वे जोरदार अभिनंदन करें। और ये रानी दुर्गावती के माध्यम से चलने वाला अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस बात का एहसास कराते हैं कि हाँ, हमारे क्षेत्र में विविधता होगी, अलग अलग प्रकार के वनांचल के हिस्से होंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी श्रद्धा ये रानी दुर्गावती के प्रति श्रद्धा है कि हाँ, हमारी सासिकाएं हमारी बहन क्यों नहीं हो सकती। हमारे अपनी बहनों के माध्यम से मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान का हिस्सा है कि 5 अक्टूबर तक जब ये जन्म शताब्दी का समापन होगा, तो निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से पिछले महीने 3-4 महीने चुनाव में चले गए, लेकिन अब हर महीने कोई ना कोई उत्सव होगा जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती की गाथा हम क्षेत्र में गाने के लिए, क्षेत्र में जागृति फैलाने का काम करेंगे। मैं इस बात के लिए भी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि विभाग ने कम समय में बहुत अच्छा प्रबंधन किया है, लेकिन हमारे अपने बहुत सारे ऐसे किले, बहुत सारी रचनाएं जहां अभी जीर्णोद्धार होना बाकी है, रानी के अपने जीवन के वो प्रसंग समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक प्रसंग को हमको सबके सामने लाने की जरूरत है।
माननीय प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि शेरशाह सूरी के समय का युद्ध, आप बताइए, वो ग्रैंड ट्रंक योजना रोड उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी ने भी अगर रानी दुर्गावती के यहाँ आकर के घुटने टेके, इससे बड़ा गर्व की क्या बात होगी। अभिनंदन करें रानी दुर्गावती को। ऐसे रानी दुर्गावती के प्रसंग कौन सा नाम छूटता है? वो बाज बहादुर जो मालवा का सुल्तान होकर अलग अलग प्रकार से दुनिया में घूमता था, लेकिन बाज बहादुर के भी दांत खट्टे किए। अकबर महान पता नहीं कितने प्रकार से जानते थे, लेकिन अकबर की सेना को एक बार नहीं तीन तीन बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया। ये हमारे लिए गौरवशाली पक्ष समाज के सामने लाने की जरूरत है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितने प्रकार से अपने सेवकों का भी कैसा ध्यान रखते हैं कि सहयोगी के नाम पे आधार ताल, सहेली के नाम पर चेरी ताल, जल रचनाओं की रचना, पुरस्कार के प्रकार, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन और नवाचार करने का भी रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो रानी दुर्गावती के माध्यम से बनाए। ऐसी महारानी को स्मरण करते हुए जो रानी माँ के रूप में पूरे क्षेत्र में पूजी जाती है, मेरी अपनी ओर से उनके पुण्य स्मरण को याद करते हुए सरकार की ओर से आदरांजलि व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ साथ के माध्यम से लगातार, जैसे मैंने कहा कि रानी दुर्गावती के नाम से 5 लाख का पुरस्कार हमने घोषित किया है, जिनके माध्यम से उनके विविध पक्षों को सामने लाएंगे। और आपने कहा हमारा एयरपोर्ट जबलपुर वाला, गढ़ और मंडला दोनों को मिला के उनका अपना गढ़ मंडला बनता था, तो गढ़ के अंदर ये रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भारत सरकार से बहुत जल्दी मंजूरी दिलाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाए। और आपने कहा कि एक ब्रिज जो बहुत अच्छा बना शहर के लिए, मदन महल तो उनका अपना महल था, उनका स्मरण वहीं से हम एक मिनट में पर कर लेते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि यही से घोषणा करता हूं, ये ब्रिज के नामकरण की घोषणा रानी दुर्गावती पे नाम पे करने की घोषणा करते हैं। यहाँ के विधायकों ने दो एक तालाब बताए, गड़ा तालाब और कौन सा तालाब है ना, तो अभी हमारा अपना अभियान चल रहा है 30 जून तक, और उस जून 30 जून के अभियान में भी इन तालाबों के ऊपर भी हमारी सरकार काम करेगी। अभिलाष चिंता मत करो, सरकार साथ रहेगी। मड़ा ताल, हनुमान ताल, जो जो भी आप कहोगे, क्योंकि ये ताल नहीं है, ये जिंदगी है। वसुधा के अंदर हम अपने कुछ पुष्प चढ़ाने का अभियान है, इसलिए ये सारी जल रचनाओं पे भी सरकार के द्वारा जो हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर 15-16 साल का समय बहुत थोड़ा होता है, लेकिन थोड़े समय में भी अद्भुत राज्य किया जिनने। वास्तव में वो चंद्रलोक की बेटी गोंडवाने की रानी चंडी थी, रणचंडी थी, दुर्गावती भवानी थी। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।